गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संस्कृत व्याकरण का विषय अपठित गद्यांश। जैसे हिंदी में होता है अपठित गद्यांश, आपको पैराग्राफ जो दिया जाता है उसको पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर बताने होते हैं, तो ऐसे ही संस्कृत में भी अपठित गद्यांश आता है। वो संस्कृत में ही मिलेगा आपको और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको संस्कृत में ही मिलेंगे। तो आपको कैसे करने हैं ये देखिए, ये एक दिया गया है संस्कृत का अपठित गद्यांश। पहले इसको रीड करते हैं। एकस्मिन वने, एकस्मिन होता है एक, वने मतलब वन में, एक है मतलब एक, विशाल है विशाल मतलब बड़ा, वृक्ष है वृक्ष, आसीत मतलब था। एक वन में एक विशाल वृक्ष था। तस्मिन बहवः खगा, तस्मिन होता है उस पर, बहवः होता है बहुत से, खगा मतलब पक्षी, वसन्ति सम मतलब रहते थे, उस पर जो है अनेक पक्षी रहते थे। एकदा ते अतीव भूभुक्षिता, एकदा होता एक बार, ते मतलब वे, अतीव मतलब बहुत ही, भूभुक्षिता भूखे, आसन मतलब थे, एक बार वो बहुत ही भूखे थे, अतः इसलिए भोजनम भोजन को, खादितुम खाने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः मतलब इधर उधर, भ्रमंतिम सम मतलब घूमते थे। एक बार वो पक्षी बहुत भूखे हो गए थे इसलिए वो भोजन को खाने के लिए इधर उधर घूमते थे। ते दूरम दूरम गच्छन्ति सम, वे दूर दूर जाते थे। अन्ते च एकस्मिन क्षेत्रे, और अंत में एक क्षेत्र में, तंडुलकान, तंडुलकान होता है चावल के दाने, अपश्यन मतलब देखे। एक बार उन्होंने अंत में क्या देखे, चावल के दाने देखे। ते तत्र गत्वा, वे तत्र होता है वे सब, तत्र मतलब वहाँ, गत्वा मतलब गए, प्रसन्नता प्रसन्नता से, तंडुलकान चावल के जो दाने होते हैं, खादंती सम उनको उसने खाया, परंतु जालेन बद्धा अभवत, परंतु जो है फिर वो जाल में, बद्धा मतलब बंद, अभवन मतलब हो गए। एक बार वे प्रसन्न होकर चावल के दाने खाए खाने गए, लेकिन वो कहाँ बंद हो गए, जाल में बंद हो गए। अधुना किम करणीयम, अधुना मतलब अब, किम मतलब क्या, करणीयम मतलब करना चाहिए। इति चिंतयित्वा, ऐसा सोच कर, ते सर्वे जालेन सह, वे सभी जाल के साथ, एकम सौमित्रम उपागच्छन, अपने एक मित्र के पास गए। उपागच्छन होता है जाना, सौमित्रम अपने एक मित्र के पास गए। तेषां मित्रम एक है मूषक आसीत, उनका मित्र एक क्या था, मूषक मतलब चूहा था। स जालम दंत्यई अकर्त्यत, स मतलब उसने, जालम मतलब जाल को, दंतई मतलब दांतों से, अकर्त्यत मतलब काटा। अन्ते सर्वे स्वतंत्रता भूत्वा, अंत में सर्वे मतलब सभी, स्वतंत्रा मतलब आजाद, भूत्वा मतलब होकर, अनृत्यन नाचने लगे और अगायन गाने लगे। च सुखम तु एकतायाम एव विद्यते, और सुख से वो रहने लगे।
तो अब इनके क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें से बताने हैं। वने एक है विशाल कै आसीत, वन में एक विशाल कौन था, क्या था वन में, ये ढूंढेंगे वाली लाइन सर्च करेंगे। वने विशाल वाली ये है ना, यहाँ पर देखो ये वाली, वने एक है विशाल वृक्ष है आसीत, वन में एक, तो फर्स्ट वाले का क्या आंसर हो गया, वन में एक विशाल वृक्ष था, ठीक है ऐसे सर्च करेंगे। अब है सेकंड वाला, तत्र के भूभुक्षिता आसन, वहाँ कौन हो गए थे भूखे, भूभुक्षिता होता है भूखे, आसन मतलब थे, कौन थे वहाँ पर भूखे, देखते हैं पक्षी हो गए थे ना। एकदा ते अतीव भूभुक्षिता आसन, ते मतलब ते है ना ये यहाँ पर, तो ते की जगह आपको लगाना है खगा, ते की जगह आपको खगा ये लिखना है। एकदा खगा अतीव भूभुक्षिता आसन, ठीक है। ये जो के है ना, तत्र के की जगह सिर्फ आपको क्या लगाना है खगा, खगा लगाना है, खगा भूभुक्षिता आसन, जो पक्षी थे वो भूखे हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगानाम मित्रम कै आसीत, जो पक्षी थे उनका मित्र कौन था, देखिए इसमें तेषाम ये वाली लाइन है ना, इधर ये वाली, तेषाम मित्रम एक है मूसके आसीत, उनका मित्र एक मूसक था मतलब चूहा था। खगानाम मित्रम कै आसीत, खगानाम मित्रम कै की जगह आप कै की जगह आपको क्या करना है, कै की जगह आपको मूषक लिखना है, मूषक। खगानाम मित्रम मूषके आसीत, पक्षियों का जो मित्र था वो क्या था, चूहा था। वने के वसंती सम, ये वाला क्वेश्चन रह गया इधर, वने के वसंती सम, वन में कौन रहते थे, ये लाइन आई थी ना, तस्मिन बहवे खगा वसंती सम, ये वसंती सम है, तो ये वसंती सम इधर है, आपको ये वर्ड सर्च करने हैं इनके वाले। तस्मिन बहवे खगा, के की जगह आपको क्या लगाना है, खगा लगाना है, खगा। ठीक है खगा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, खगा भोजनम खादितुम कुत्र भ्रमन्ति सम, पक्षी जो थे भोजन को खाने के लिए कहाँ घूमते थे, इसमें हैं सेकंड लाइन में, अतः भोजनम खादितुम इतस्ततः भ्रमन्ति सम, इतस्ततः मतलब इधर उधर, कुत्र की जगह आ जाएगा इतस्ततः, इतस्ततः खगा भोजनम खादितुम इतस्ततः
बनती सम अन्ते खगा क्षेत्रे किम अपश्यन्। अंत में पक्षियों ने वहाँ पर क्या देखा, क्या देखा था अंत में, उनको क्या दिखाई दिया। अन्ते च एकस्मिन् क्षेत्रे ते तंडुलकान, चावल के दाने दिखे थे ना उनको, तंडुलकान दिखाई दिए थे उनको। तो यहाँ पे आएगा अन्ते खगा क्षेत्रे तंडुलकान, किम की जगह तंडुलकान आ जाएगा, तंडुलकान अपश्यन्। अब है नेक्स्ट खगा इतस्य पर्याय के, खगा जो है इसका मतलब क्या होता है, तो क्या लिखेंगे। खगा किसको बोलते हैं हम, पक्षी ने, पक्षी ने आ जाएगा, पक्षी ने। ठीक है, अने है ये खगा इतस्य पर्याय पक्षी ने। अब नेक्स्ट है गत्वा अत्र प्रकृति प्रत्यो पृथक पृथक कृत्वा लिखत। इसमें गत्वा में आपको बताना है प्रत्यय कौन सा है, कौन सा प्रत्यय है गत्वा में। कत्वा प्रत्यय की आ रही है ना, कत्वा प्रत्यय है इसमें, कत्वा ये लिखेंगे, कत्वा कत्वा प्रत्यय है। आगे देखते हैं और धातु कौन सी है इसमें, गम, गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला इतस्ततः पदस्य संधि विच्छेदम कुरु। इतस्ततः जो पद है इसका संधि विच्छेद करना है, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद इतस्ततः का, इत प्लस में ततः, इत और ततः मिलके इतस्ततः बन गया। ये था अपठित गद्यांश, इसको ध्यान से देख लेना और समझ लेना। ओके, थैंक्स।